वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आई हूँ, दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड मैनी टाइम्स। दिस इज़ अ फेस पैक जो कि आपके फेस के स्किन के बहुत से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, स्पेशली जिनकी एक्नी प्रॉन स्किन है उनके लिए ये है, जिनके हाइपर पिगमेंटेशन है उनके लिए है, जिनके पोर्स क्लॉग्ड हैं उनके लिए है। सो ये एक जो फेस पैक है, इट विल वर्क वंडर्स आपके लिए, और डिफरेंट और मल्टीपल स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर ये काम करेगा। बहुत से लोगों को ऑलरेडी इसका पता भी होगा, बहुत से जो हमारे पुराने ज़माने की जो हमारी नानियाँ और दादियाँ हैं या जितनी भी ओल्ड एज लेडीज़ हैं वो मोस्टली यही पैक रिकमेंड करती हैं, जितनी भी यंग एज की या टीनेजर गर्ल्स हैं उनको अपनी स्किन केयर के लिए। सो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं आपको साथ साथ डिस्क्राइब करती रहूँगी कि इसके इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, और स्पेशली ये मास्क मैं अपनी फेस पैक अपनी ब्राइड्स को भी रिकमेंड करती हूँ जिनकी प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है, जिनकी ऑयली स्किन है, टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली है उनको भी मैं ये रिकमेंड करती हूँ, और जिनकी बहुत ज़्यादा एक्नी है, जिनके बम्प्स बने हुए हैं, इवन इट विल रिड्यूस योर बम्प्स टू, क्योंकि मेकअप में आपको पता है कि हर चीज़ कवर हो जाती है, आपके हाइपर पिगमेंटेशन कवर हो जाती है, आपकी डिस्कलरेशन कवर हो जाती है। तो एक चीज़ जिसको मेकअप कवर नहीं कर सकता, दैट इज़ योर टेक्सचर, चाहे वो आपके ओपन पोर्स हैं, चाहे आपके कोई मोल है, चाहे आपकी पफिनेस है, या फिर आपका जो है एक्नी का बम्प है, टेक्सचर इन चीज़ों को कभी भी मेकअप टेक्सचर को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये जो मास्क है या फेस पैक है ये आपके बम्प्स को भी रिड्यूस करेगा और आपके टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा, इसलिए ये मैं अपनी ब्राइड्स को भी रिकमेंड करूँ। इसका फर्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ ग्राम फ्लोर यानी बेसन। बेसन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर जो है जिंक पाया जाता है, जो कि इन्फेक्शन को जो एक्नी जिस वजह से हो रही होती है, एक्नी कॉजिंग इन्फेक्शन को ये फाइट करता है और आपके एक्नी को रिड्यूस करता है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपका एक्सेस सीबम कंट्रोल करता है, जो कि मोस्टली ऑयली स्किन की जो बच्चियाँ हैं या गर्ल्स हैं उनके अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम पाया जाता है कि फेस ऑयली हो जाता है, आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा। और सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी दैट इज़ कि आपको ब्राइटन करेगा, आपको ब्राइटन करेगा, और जो भी आपके डार्क पैचेस या टैनिंग हो गई है आपको सन की वजह से, ये उसको भी कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज टर्मरिक या हल्दी, आपके खानों में यूज़ होने वाला सबसे कॉमन स्पाइस हमारे इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी खानों का सबसे इम्पॉर्टेंट स्पाइस है। इसकी भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को लाइट करता है, स्किन की डलनेस को कंट्रोल करता है, और एंटीबैक्टीरियल है, और सबसे ज़्यादा जो इसकी मुझे प्रॉपर्टी पसंद है, दैट इज़ कि ये आपकी स्किन को सूद करता है, सूदिंग का काम करता है आपकी स्किन के ऊपर, चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो, जितना भी इन्फेक्शन हो, अगर आप टर्मरिक यूज़ करेंगे अपनी स्किन पर तो ये आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल करके आपकी स्किन को सूद करे। जो हमारा इन्ग्रीडियंट है, इट इज़ हनी। हनी की भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए। सबसे पहले तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और जो कि मैं क्लाइंट्स को रिकमेंड भी करती हूँ, दैट इज़ एंटी एजिंग है ये। बहुत से क्लाइंट को मैं रिकमेंड करती हूँ जिनकी प्रीमेच्योर एजिंग है, उसके लिए हनी मैं रिकमेंड करती हूँ। और ये एक जेंटल एक्सफोलिएटर भी है, आपकी स्किन को थोड़ा सा एक्सफोलिएट भी करेगा। और सेकंड इसकी जो दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, दैट इज़ कि ये आपको आपके स्कार्स को लाइट करेगा। आपके पिगमेंटेशन तो लाइट करते हैं बहुत से प्रोडक्ट्स या बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन नेचुरल इंग्रेडिएंट बहुत कम है जो कि आपके स्कार्स के ऊपर काम करें, लेकिन हनी इज़ वन ऑफ देम कि जो आपके स्कार्स को भी लाइट करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ मिल्क। मिल्क जो है ये एक स्किन टोनर के तौर पे आपका इसमें मास्क के अंदर या इस फेस पैक के अंदर आपको हेल्प करेगा। इची और ड्राई पैचेस को आपके कंट्रोल करेगा। मिल्क आपको ग्लो देगा स्किन के ऊपर, और सबसे स्किन मेन प्रॉपर्टी ये है कि आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है हमारा या जो हम इस फेस पैक का, दैट इज़ लेमन, और लेमन इज़ इनरिच्ड विद विटामिन सी, सिट्रिक एसिड इसके अंदर है,
और विटामिन सी है, और जो इसका मेन पर्पस है वो है स्किन को ब्राइटन करना, आपकी स्किन टोन के ऊपर काम करना, डिस्कलरेशन को फेड करना, और जो आपके पोर्स हैं ये उनको अनक्लॉग करता है, और ब्लैक हेड्स को ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये पोर्स अनक्लॉग कर देता है तो इस वजह से आपके ब्लैक हेड्स भी नहीं बनते हैं, स्किन टोन को इवन करता है। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है उसके ऊपर और पेनफुल है आपके लिए, एक तो नॉर्मल एक्नी है, लेकिन अगर आपकी एक्नी पेन कर रही है, रेडनेस है, फिर आपने लेमन यूज़ नहीं करना। उसमें इंग्रेडिएंट है दैट इज़ आलमंड ऑयल, और आलमंड ऑयल के अंदर हमारा जो है सबसे ज़्यादा होता है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई इसके अंदर पाया जाता है जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, साथ में ये आपकी जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पफिनेस के ऊपर, ये फेस पैक आपकी पफिनेस के ऊपर काम करेगा, तो उसके अंदर जो पफिनेस के ऊपर काम करने वाला इंग्रेडिएंट है दैट इज़ आलमंड ऑयल, और आपका कोलेजन बूस्ट करता है, फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, पफिनेस के ऊपर काम करता है, एंड मेनली मॉइस्चराइज करता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता। एंड माय लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्योंकि मैंने आपको ये शुरू में बताया कि जो आपका मास्क है या फेस पैक है ये आपके बहुत से स्किन के प्रॉब्लम्स को के ऊपर काम करेगा, जैसे आपको टैनिंग हो जाती है सन की वजह से, हमें टैनिंग हो जाती है, उसको ये रिड्यूस करेगा एलोवेरा जेल, और ये आपको सूदिंग इफेक्ट देगा, कामिंग देगा, और इसी तरह से ये स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में। जी तो अब हम यहाँ पे अपना मास्क बना रहे हैं। जो सबसे पहले मैंने इन्ग्रीडियंट लिया दैट इज़ टर्मेरिक, हल्दी। हल्दी के मैंने 2 teaspoon लिए हैं, और इसके अंदर मैं 1 tablespoon ऐड करूँगी बेसन ग्राम फ्लोर। नेक्स्ट जो चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दैट इज़ 1 teaspoon हमारे पास है यहाँ पे तकरीबन लेमन जूस। 1 teaspoon हम इसके अंदर ऐड करेंगे शहद। ये देखिए, अगर शहद आपको कहीं से ऑर्गेनिक मिल जाए तो क्या ही बात है। नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रही हूँ दैट इज़ विटामिन ई ऑयल, और ये भी मैंने 1 teaspoon ले लिया है। नेक्स्ट थिंग इज मिल्क, 1 teaspoon अप्रोक्सीमेट 2 कर दिया मैंने, ताकि जो हमारा पैक है वो इतना थिक ना बने, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो। और द लास्ट थिंग इज एलोवेरा, 1 teaspoon में एलोवेरा ऐड कर रही हूँ। अच्छे से सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ द एंड रिजल्ट विल लुक लाइक, एंड आई कैन स्वेयर बाय दिस मास्क, क्योंकि मैंने इसके मिरेकल्स अपनी स्किन के ऊपर खुद देखे हैं। मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर अपनी कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं अपनी एक्नी स्किन की, कि मेरी कितने स्वेयर एक्नी को इसने ट्रीट किया है, वो आपको भी साथ वीडियो में आपको नज़र आ जाएंगी। और मैंने इसको मास्क को तकरीबन 30 days मैंने रेगुलरली यूज़ किया था, और मेरी स्किन के ऊपर इसने बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिए थे। अभी मैं आपके सामने अप्लाई करूँगी इसको अपनी स्किन पे। आप देख रहे हैं कि मैं बेयर फेस हूँ, स्किन के ऊपर कुछ भी अप्लाइड नहीं है, और आपके सामने मेरी स्किन की कंडीशन भी है। वो जो पिक्चर्स आपने वीडियो में आपने देखी हैं, पिक्चर्स जो कि मेरे थंबनेल के ऊपर भी हैं, उस वक्त की मेरी स्किन कंडीशन में और इस वक्त की स्किन कंडीशन में आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। बम्प्स ऑलमोस्ट, मेरी एक्टिव एक्नी गायब है, लेकिन यहाँ पे 1-2 बम्प्स हैं मेकअप की वजह से, और इंशाल्लाह आई होप सो कि आज इस मास्क के एप्लीकेशन के बाद वो भी गायब हो जाएंगे। सो आई एम अप्लाइंग इट जेनरसली on my face। मास्क के एप्लीकेशन को आपने 20 minutes लेने हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि जब मेरी स्किन वर्स्ट कंडीशन में चली गई थी और मैं इतने शदीद डिप्रेशन में थी, मैं इस मास्क को 1-1 घंटा अपने फेस पर लगा रहने देती थी, जैसे उसने रातों रात कोई मिरेकल कर देना है। लेकिन द बेस्ट टाइम इज़ वैन इट ड्राइज आउट, यू कैन टेक इट ऑफ,
उसको सिंपली रिंस करना है आपने, बिल्कुल भी आपको स्किन को इससे रब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको अपनी जॉ लाइन के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ, देखिए आप अगर एक्ने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको मैं एक होम रेमेडी के तौर पे भी इसको रिकमेंड करूँगी, इस फेस पैक को, क्योंकि ये मेरा टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप इसको चाहें तो पहले अपने एक पैच टेस्ट कर लें कि आपकी स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा। तो ऑल इंग्रेडिएंट्स आर नेचुरल, कुछ भी इसके अंदर आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से भी एलर्जी होती है, देयर एलर्जिक। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप पहले इसका एक पैच टेस्ट कर लें। अच्छे तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया है, नो आई एम गोइंग ऑन माय नेक जॉलिंग। हम 20 मिनट्स देंगे अंटिल इट ड्राइज आउट कम्प्लीटली, और फिर मैं उसके बाद आपको चेक अपनी स्किन दिखाऊंगी। जी तो अब फेस वॉश कर लिया है मैंने और आपके सामने है रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्लो दिया है मेरी स्किन पे इसने, और एक इंस्टेंट पिंकिश ग्लो आ रहा है और थोड़ा सा येलोनेस है, लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ टर्मेरिक। लेकिन आई कैन स्वेयर बाय दिस मास्क कि आपके बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, स्पेशली एक्ने को, स्कारिंग को, और टैननेस को, और जो आपकी हो जाती है सन डैमेज है उसको। और लेकिन शर्त यह है कि आप इसको रेगुलरली यूज़ करें, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।